सर यही बात है, जो पॉसिबल होगा। अब हमारे बच्चों, अब हमारे बच्चों, मेरी बात सुनो एक मिनट। मैं कह रही हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपकी बात जो है पूरे ध्यान से और पूरी कंसीडरेशन सिंपथेटिकली उसमें किया जाएगा। और ये लॉ सारे आप देख रहे हैं, पीछे लॉ 3 ईयर LLB के स्टूडेंट है, प्रोफेशनल के। तो अभी हमारा एक एग्जाम था, डेट शीट अनाउंस हुई सेकंड सेमेस्टर की, लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद हमारे जो 2 एग्जाम्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया। उसकी वजह से सिर्फ 3 एग्जाम्स को लेने की बात हुई, और आगे बात की गई कि जो हमारे पोस्टपोन हुए हैं एग्जाम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, वो एग्जाम्स आगे फर्दर कब लिए जाएंगे। उन्होंने बोला उसके लिए नया नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर हम 3 एग्जाम्स को दे के हम अगले सेमेस्टर में जाके बैठ जाएं, अगले सेमेस्टर के 5 एग्जाम्स की भी तैयारी करें, बीच में इसके 2 दें, ना हम ढंग से पढ़ सकते हैं ना हम ढंग से एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि बीच में जब 2 एग्जाम पोस्टपोन किए गए, उसके बाद हमारे पिछले सेमेस्टर के वाइवा, जेल विजिट, पुलिस स्टेशन विजिट, ये सब कुछ हुआ बीच में, बच्चों को प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिला। इसलिए बच्चों ने मैम से रिक्वेस्ट की कि वो पेपर को पोस्टपोन कर दें 1-2 दिन, जो प्रेपरेशन के लिए ज़्यादा मिल जाए। लेकिन मैम ने उसके लिए खारिज कर दिया, पूरी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, पेपर का बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम स्टूडेंट VC साहब के पास गए, वाइस चांसलर साहब के पास। उन्होंने बोला कि मैं मतलब ऑर्डर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मैटर में देखेंगे। अब मैम का रिस्पांस हक में था या नहीं था, वो उन्होंने रिस्पांस दिया ही नहीं, अगले दिन पेपर लेने स्टार्ट हो गए। और जब पेपर हो रहा था, अभी स्टूडेंट्स नीचे नेगोशिएट कर रहे थे, अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम पे पेपर जो था पूरा लीक हो जाता है, सबको, हर एक बंदे को पेपर मिल जाता है। पेपर लीक होने के बाद सारे बच्चों को पेपर लीक मिल जाता है, उसके बाद बाकी बच्चे कुछ पेपर दे रहे हैं। वी डोंट नो कि वो पेपर कब लीक हुआ, हमें सुबह पता लगा, क्या पता रात का लीक हुआ है। अल्टीमेटली हमने जब आज बात की मैम से, पेपर पोस्टपोन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो टीचर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा गैदर हुए हैं, आप देख रहे हो, जैसे कि 80-85% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और अभी स्टूडेंट्स की मांग ये है कि हमारे जो 5 के 5 एग्ज़ाम्स हैं वो एक साथ लिए जाए, पिछला सेमेस्टर क्लियर किया जाए और अगले सेमेस्टर के सारे एग्जाम्स एक साथ लिए जाएं, और उसके साथ में हमारा जो आज का एग्जाम है इसको कैंसिल किया जाए और रीशेड्यूल किया जाए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके साथ कोई भी पर्सनल रंजिश ना रह जाए। हमारा जो मुद्दा था जिस बारे में बात हो रही थी, वो बात थी सिर्फ स्टूडेंट्स के हित की बात थी। अभी एश्योरेंस गए हमारे डीन साहब, अभी तक कुछ नहीं मिली, क्योंकि जब तक हमने इनसे पूछा, कभी हम सुबह डिपार्टमेंट में प्रोटेस्ट करें, कभी VC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे VC ऑफिस फंक्शन में थे, तो हमें अभी ये बताया गया कि 1-2 घंटे वेट करो, तो 1-2 घंटे के बाद पता चलेगा कि क्या है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9 7 2 8 2 5 3 6 6 3 पर।